हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नालायक बॉयज सेम में। तो शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग नई सुबह और नई जर्नी के साथ। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा बॉलीवुड के बादशाह एंड बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान सर का घर, जिसे लोग प्यार से SRK भी बुलाते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और लेकर चलते हैं हम आपको शाहरुख खान के बंगले के पास। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा बांद्रा स्टेशन, उसके बाद आपको स्टेशन से बाहर आना है और बाहर आकर आपको लेफ्ट साइड जाना है। जैसे कि आप मस्जिद देख रहे हो, आपको यहाँ से मस्जिद के पास से रिक्शा मिल जाएगी बैंड स्टैंड के लिए। शेयरिंग से भी जा सकते हो और चाहो तो मीटर से भी जा सकते हो। तो चलो हम यहाँ से लेते हैं रिक्शा और चलते हैं अपनी व्लॉग लोकेशन। तो गाइस, जिस रोड पर हम चल रहे हैं ये रोड कहलाता है हिल रोड। तो आपको वैसे तो स्टेशन से बाहर अगर आकर आप रिक्शा लेते हो और बैंड स्टैंड के लिए बोलते हो, ऑफकोर्स वो आपको डायरेक्ट वहाँ पर ले जाकर छोड़ देगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जिस रोड पर हम चल रहे हैं ये रोड कहलाता है हिल रोड। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं शाहरुख खान के बंगले के पास। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, यह है शाहरुख खान का बंगला, बॉलीवुड किंग के शाहरुख खान का बंगला। और शाहरुख खान के बंगले का नाम है मन्नत। और यहां पर लोग आते हैं बहुत दूर दूर से और अपनी शाहरुख खान के बंगले के मेन गेट के पास जो नाम लिखा हुआ है उसके साथ बहुत ही अपनी सेल्फियां खींचते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड में आने से पहले शाहरुख खान की कुछ बातें। जैसे कि शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर सन 1965 में नई दिल्ली में हुआ था और उन्होंने अपने बचपन के 5 साल अपने नाना के घर यानी के मैंगलोर में बिताए थे। और उनके नाना वहां पर इफ्तिखार अहमद साहब बतौर चीफ इंजीनियर काम करते थे। शाहरुख खान ने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली की यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से की थी और इस कॉलेज से उन्होंने इकोनॉमिक्स बैचलर की डिग्री ली। और वो अपना ज़्यादा वक्त दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप यानी टैग में बिताया करते थे और उनके थिएटर डायरेक्टर का नाम बैरी जॉन था। और ग्रेजुएशन के बाद शाहरुख पहुंच गए दिल्ली के फेमस जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और वहाँ पर ये मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे थे। और कुछ टाइम बाद शाहरुख पढ़ाई को छोड़कर एक्टिंग की तरफ बढ़ गए और वो अक्सर अपने कॉलेज में नेशनल ड्रामा में भी भाग लिया करते थे। और सन 1981 में उनके फादर की मृत्यु हो गई और सन 1991 में उनकी मम्मी का भी इंतकाल हो गया। उसकी वजह से उनकी बहन शहनाज काफ़ी सदमे में चली गई। और शाहरुख को अक्सर ये बात बहुत सताती है कि उनकी ये सक्सेस उनके मम्मी पापा नहीं देख पाए। शाहरुख ने अपना पहला किरदार दिल दरिया टीवी सीरियल में निभाया था और उसके बाद उनका दूसरा टीवी सीरियल ड्रामा आया था फौजी। और इसी तरह के काफ़ी सारे सीरियल में अब शाहरुख खान अपना रोल प्ले कर चुके थे। और उसके बाद शाहरुख खान के पास हेमा मालिनी जी कॉल आई, जो दिल आशना मूवी बना रही थी जो सन 1992 में रिलीज हुई थी। और उसके बाद शाहरुख खान की दूसरी मूवी आई दीवाना, जो सन 1992 में ही रिलीज हुई थी। और उसके बाद शाहरुख खान सर एक के बाद एक हिट मूवी देते गए, जैसे कि डर, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और ऐसी काफ़ी सारी मूवी देते गए और बॉलीवुड में अपना एक अच्छा मुकाम बना लिया, जिसे शाहरुख खान को लोग बादशाह और बॉलीवुड का किंग मानते हैं। तो
और सन 1991 में शाहरुख की शादी हुई गोरी छिब्बर से जो पंजाब की रहने वाली थी, और सन 1997 में शाहरुख खान को पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था आर्यन, और सन 2002 में एक लड़की पैदा हुई उसका नाम है सुहाना, और काफी टाइम के बाद यानी कि सन 2013 में शाहरुख खान को एक और बेटा पैदा हुआ और उसका नाम है अब्राहम। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शाहरुख खान का घर मन्नत जो है वो मुंबई के बांद्रा वेस्ट बैंड स्टैंड पर स्थित है, और जैसा कि शाहरुख खान के बंगले का नाम है मन्नत, और उन्होंने अपने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में डायमंड से लिखवा रखा है मन्नत, और इन्होंने ये मन्नत पहले नॉर्मली एक पंपलेट पे लिखा हुआ था, लेकिन इन्होंने अब बड़े बड़े अक्षरों में और डायमंड से लिखवाने की वजह यह है कि शाहरुख खान सर के घर के पास काफी सारे लोग, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लोग आते हैं और अपनी सेल्फी लेते हैं, तो शाहरुख खान ने सर ने अपने फैंस के लिए ताकि उनकी सेल्फी अच्छी आए उसकी वजह से अपने बंगले का नाम मन्नत डायमंड से लिखवा रखा है, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं बहुत ही करीब से जाकर। चित्र ये तो आप उसको ही मिल जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, ये है शाहरुख खान के बंगले का मेन गेट, और यहाँ पे लिखा हुआ है मन्नत, और बाकी का यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस एंड। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर खत्म करते हैं, और आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, और अगला व्लॉग आप कहाँ का देखना चाहूंगा प्लीज कमेंट करके बताइए। तो खुश रहो, हैप्पी रहो, ओके, टाटा, बाय बाय।